हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि आज आपके लिए ले आई हूँ चोको बिस्कुट बना के। और ये मैंने कैसे बनाई है, क्या क्या सामग्री इसमें डाली है देखिएगा। बड़े सॉफ्ट से बिस्कुट मेरे बने हुए हैं, ये देखिए इजली से टूट रहे हैं और हेलो। अच्छे से बेक हो रखे हैं। देखिए अच्छे तरह से ये मैंने पैन में बेक कर रखे हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और क्या क्या सामग्री और किस तरीके से मैंने ये बनाए हैं देखिए, सारे बेक हो रखे हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। आइए बताती हूँ, ये बिस्कुट बनाना, चोको बिस्कुट बनाना। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला है, बड़े नॉर्मल सरल घर के घरेलू तरीके से मैंने ये बिस्कुट बनाए हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद। चोको बिस्कुट बनाने के लिए देखिए मेरे पास सामग्री ये है। सबसे पहले बटर, थोड़ा सा चोको पाउडर, ये हमारा शुगर पाउडर, और ये मैदा पाउडर, और ये वनीला एसेंस है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम एक डोंगा लेंगे, ये देखिए, और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले ये मक्खन। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। देखिए हमने ले लिया मक्खन, और इसमें मैं डालूंगी शुगर पाउडर। आप अपने हिसाब से डालिए, जितना मीठा चाहिए। मैं थोड़ा डालूंगी एक कटोरी से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। इसको मिला लेंगे पहले अच्छे से, शुगर पाउडर और ये मक्खन अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। आप चाहे तो इसमें घी भी मिला सकते हैं। अब डालूंगी मैं इसमें ये मैदा, आधी कटोरी डाली, आधा बचा दिया हमने अभी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छा सा डो टाइप का बनाएंगे। ये भी मिक्स हो गया, अभी इसका डो बनाना। पहले हम डालेंगे इसमें ये वनीला एसेंस की कुछ बूंदें, ज़्यादा नहीं डालनी, 4-6 बूंदें डाल दी। और अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छा सा एक डो बना लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा गीला लगे तो आप थोड़ा मैदा और मिला सकते हैं। ये देखिए इसको और मिक्स कर ले हम। ये सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। अब हम ये डो को 2 भागों में डिवाइड करेंगे बराबर मात्रा में लेके, और ये मैं थोड़ा अलग रख दूंगी। और अब इसमें मैं ये चोको पाउडर मिलाऊंगी, इसे हम फिर इसको मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। देखिए ये चोको वाला डो भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब ये दोनों डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे ढक के। देखिए मैंने ये दोनों डो फिर एक बार ले लिए, फिर इसके साथ मैंने चॉकलेट वाला भी मिला दिया, इनको डो बना लूंगी। ये देखिए, और इस डो को भी मैं इसी के साथ ऐसे मिला के मिक्स कर लेंगे। फिर इसको ऐसे हम मोड़ लेंगे और इसके एक डो कलरफुल बिस्किट बन जाएंगे। डो को ऐसे मिक्स करके एक डो बना, देखिए अच्छा सा कलरफुल डो बन गया ये हमारा ऐसे करके। अब हम इसके पतले पतले पीस काट लेंगे। ये देखिए बड़े अच्छे कलरफुल बिस्किट तैयार हो रहे हैं हमारे। ये देखिएगा कोई सा भी शेप आप बना लीजिएगा। ये हो गए हमारे चॉकलेटी बिस्कुट, और अब हम इसे बेक करेंगे। और आप इनको अच्छे से हाथ से शेप भी दे सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे गोल भी कर सकते हैं। ये शेप भी कोई बुरा नहीं लग रहा, अच्छे शेप लग रहे हैं बिस्किट के। आइए अब हम इसे
काय में बेक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये छोटी प्लेट, मैं इसी में ऑयल लगा लूँगी हल्का सा, आप घी मक्खन जो हो लगा लीजिए। ये मैंने इसे ग्रीस कर लिया है और मैं सारे बिस्किट इसी में रखूँगी, ये देखिए। और मैं से आप चाहे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, मगर मेरे पास थोड़ा मोटा तली का भगोना है तो मैं भगोने में इनको बेक करूँगी। आइए बताती हूँ, सारे बिस्किट मैंने इस प्लेट में लगा लिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये भगोना रख लिया है, थोड़ा गहरा सा है, आप चाहे तो कढ़ाई भी रख सकते हैं। और ये गर्म हो चुका है, मैंने हीट पे रखा था, और इसमें मैं डालूंगी ये स्टैंड, और इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम ये प्लेट बिस्किट के। आराम से रखें, सेफ्टी से, गर्म है। और अब हम इसे अच्छे से ढक लेंगे, ये प्लेट की साइड से मैं इसे ढक लूंगी, और इसे 10 से 15 मिनट बेक होने के लिए कम आंच पे, बिल्कुल कम मीडियम आंच पे इस बिस्किट को हमें बेक करना है, यानी पकाना है। आइए इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारे बिस्किट जो है बेक हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इजिली से निकाल लेंगे, पहले अच्छे से आराम से हाथ पे कपड़ा लगा के चिमटे से अच्छे से पकड़ के निकालना है। ये देखिए फ्रेंड, ये बिस्कुट हमारे थोड़ा ठंडे हो गए और बेक, देखते हैं हम ये कैसे, वाह देखिए इजिली टूट रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होके ये पक चुके हैं हमारे बिस्किट, ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बड़े इजीली से बिस्किट हमारे टूट रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे ये, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि आज आपके लिए लेके आई हूँ बिस्किट बनाना। ये बिस्किट मैंने कैसे बनाए, कैसे बेक कर रहे हैं, आप ये ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए मेरे शॉप से बिस्कुट ये ब्राउन हो रखे हैं, अच्छे से बेक हो रखे हैं, और आप इसे कहीं से भी तोड़ के देखें, ये देखिए बड़े इजीली से बिस्किट टूट रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो रखे हैं। ये देखिए ब्राउन, और खाने में भी ये देखिए इजीली टूट के खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आइए बताती हूँ मैंने कैसे कर क्या क्या सामग्री डाल करके ये बिस्किट बनाए हैं, आइए बताती हूँ।